सीमा क्या अंदर जा सकती हूँ मैं? चली जाओ, लेकिन देर मत लगाना, तुम जानती हो अंदर जाने की इजाजत नहीं। जाना नहीं अली, छोड़ना नहीं मुझे। कितने खूबसूरत दिनों को तुम्हारा इंतजार है। भाई ठीक कह रहे हैं, मैंने और उसके आंटी के बारे में कुछ तो अजीब है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन पर भरोसा नहीं मुझे। कहाँ हो तुम दिलान? क्या हुआ भतीजे जान? कहाँ है वो दिलान? कहाँ हो तुम? निकलो बाहर। क्या किया तुमने बाबा के साथ? हाँ, चाहती क्या हो आखिर? बात सुनो मेरी, तुम उनके करीब भी नहीं जाओगी, समझ गई मेरी बात? बिल्कुल दूर रहोगी उनसे। और मेरे पास आके कहती हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक करना चाहती हो। तुम एक झूठी और मक्कार लड़की हो। बहुत हो गया। क्या हुआ भाई? क्या आप अभी भी इस झूठी लड़की की तरफदारी करने वाले हैं? हाँ, कामयाब हो जाती तो क्या होता? क्या मुझे बाबा को भी खोना पड़ता? और उसके बाद आप क्या करते भाई? हाँ, आखिर किसको कसूरवार ठहराते? जान, अपनी आंखों के सामने ये सब देख के मैं चुप नहीं बैठ सकता। ये सिर्फ शुरुआत है, क्या रुक जाएगी वो? हाँ, नहीं रुकेगी। दोबारा कोशिश की तो क्या करेंगे? मैं जानता हूं क्या करना है मुझे, तुम रुको जरा। किससे बात कर रहे हो? पहले ये देखो, वो मेरी बीवी है, ये हर किस पर भूलना। अगर उसे सजा देनी होगी तो मैं दूंगा, बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम, राना हूँ मैं, और तुम यकीनन जुमरुद ही होगी। मीने ने तुम्हारे बारे में बताया था, उसकी आंटी हूँ मैं। और हाँ, अली मेरा सौतेला बेटा है। या अल्लाह, इन्होंने अली के बारे में क्यों नहीं पूछा? शायद सौतेली माँ है इसलिए।
कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे। और अली के बाबा नहीं आए, वो कहाँ है? उनका बेटा यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और वो अपने बेटे से अभी भी नाराज है। यही जिंदगी है, किसी से नाराजगी हो या फिर लड़ाई, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। डॉक्टर ने कहा है कुछ भी हो सकता है। उनका बेटा इस हाल में है और उनकी नाराजगी, यानी अली। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? आखिर क्या मतलब हो सकता है? मैं एक बाप और बेटे की नाराजगी दूर करना चाहती हूँ इससे पहले कि देर हो जाए। और अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हैं तो बता दें मुझे, मुझे एड्रेस दे, मैं जाकर खुद बात कर लूंगी। आखिर ये कैसी नाराजगी है? हो सकता है वो अपने बेटे की हालत का सुनकर यहाँ आ जाए। शायद अगर इस वक्त उसके बाबा यहाँ हो तो अली को इससे ताकत मिले और वो हमें छोड़कर नहीं जाए। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? तुम हमारे जाती मामलात में बोलने वाली कौन होती हो? हम उसकी फैमिली हैं, तो जान लो कि हमें अली और उसके बाबा के ताल्लुकात की तुमसे ज्यादा फिक्र है। हमारी फैमिली से दूर रहो, हाथ में रहो अपनी और बीच में टांग मत अड़ाओ। मीने, इस सब के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो, इसलिए आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगी। जैसे फजूल बातें करना बंद कर दो, बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है ये। अगर कुछ करने की जरूरत होगी तो वो हम करेंगे, फिक्र ना करो तुम। ठीक है, मुझे तो फिक्र रहेगी। बात सुनो, देखो ऐसे कुछ नहीं होगा, पुरसुकून हो जाओ। हर चीज का एक वक्त होता है, गलत वक्त पर चलने वाली गोली निशाने पर नहीं लगती। साफ जाहिर है कि उस लड़की के आगे तुम्हारे भाई को कुछ नहीं दिखता, और जो नजर आता है उस पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो जो उसे बताती है उस पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेता है। अगर उस लड़की ने ताया जान के साथ मजीद कुछ बुरा कर दिया तब भी वो मासूम होगी और हम कसूरवार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बरान उसके काबू में आ जाएगा। उसकी आंखों पर से पर्दा हटाना होगा, लेकिन ये होगा कैसे ये मुझे भी नहीं मालूम। समझ नहीं आता कि भाई इतने अंधे कैसे हो सकते हैं। हम लोग कितनी तकलीफ से गुजरे हैं ये अच्छी तरह जानते हैं वो।